Hi students, my name is Aarti and I welcome you all once again on the platform of Bharti Concept with the session. Forever join कीजिए मुझे और आज हम discuss करने वाले हैं vocabulary with root words, vocabulary through using root words. Well, बहुत सारे interesting words हम आज discuss करेंगे क्योंकि आपका मानना था कि आपको root words से vocabulary याद करने में बहुत मजा आता है. तो this session is specially for you. Forever मुझे join कीजिए. शिवम कुमार आ चुके हैं, फटाफट आ जाइए लाइव और शुरू करते हैं अपना आज का सेशन वोकैबुलरी का. जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से ये सेशन चल रहा है और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है आपको, तो आपके सजेशंस जो हैं वो मुझे प्लीज़ बताते रहिए. ओके गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. और हमारा आज का वर्ड क्या है एक बार इसको देख लेते हैं. वेल, आज का हमारा रूट वर्ड है पहला मॉली. मॉली इज अ रूट वर्ड और मॉली का बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ ऐसा बताना पड़ता है जिसका यूज हम सॉफ्टनेस से भरी हुई चीजों में करते हैं. ओके, सो मॉली को हम सॉफ्ट से लिंक कर सकते हैं. इट इज अ रूट वर्ड जिसका मतलब हम लगाएंगे सॉफ्ट. सॉफ्ट का मतलब आप सबको पता है कोमल. वेरी गुड इवनिंग शैलेंद्र, स्वागत है आप सभी का. ओके, तो शुरू करें आज का सेशन. मॉली कॉडल हमारा पहला वर्ड है और मैंने आपको बताया मॉली है या मेल है या मैली है, इन सब का मतलब होता है सॉफ्ट. तो जहां भी ये वर्ड्स आएंगे उनका हम लिंक करके उनको पढ़ेंगे कि उनमें कैसे सॉफ्टनेस आती है. ओके, सो मॉली कॉडल. मॉली कॉडल में मॉली का मतलब आपको पता चल गया, दैट इज सॉफ्ट. और कॉडल का मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉडल? कॉडल का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, मतलब किसी को, किसी के केयर करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी का बचाव करना. जैसे आपके पेरेंट्स आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो उनके लिए आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं मॉली कॉडल. तो क्या मतलब हो गया इसका? मॉली कॉडल का मतलब हो गया कि किसी की अच्छे तरीके से सॉफ्टनेस से केयर करना, अपना प्रेम, अपना जो अंदर जो आपके सॉफ्टनेस है वो दूसरे को दिखाना, उससे लोगों को प्रोटेक्ट करना. ओके, सो मीन्स टू शो एक्सेसिव लव, अत्यधिक प्यार से देखभाल करना. ओके, अब मॉली कॉडल का पार्ट ऑफ स्पीच एक बार जान लो. ये है एक एडजेक्टिव. ओके, आप इसको एडजेक्टिव के तरीके से यूज कर सकते हैं. एडजेक्टिव मैंने पहले आपको बताया कि एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है. अगर कोई नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव ही है. ओके, सो चलिए यूज करते हैं इस वर्ड को. जो भी अभी मेरे साथ ऑनलाइन है वो फटाफट मॉली कॉडल को यूज कर सकते हैं. लाइक एवरी मदर ट्रीट्स हर चाइल्ड इन अ मॉली कॉडल वे. प्रत्येक माता, मतलब एवरी मदर ट्रीट्स हर चाइल्ड, अपने बच्चे को ट्रीट करती है इन अ मॉली कॉडल वे, मतलब बहुत ही सॉफ्टनेस से, बहुत ही कोमल तरीके से. ओके, सो नाउ आप लोगों के पास वर्ड है मॉली कॉडल और अपना टाइम लीजिए और सेंटेंसेस बनाइए क्विकली. शिल्पा थैंक यू. ओके गाइज, प्लीज सेंटेंसेस बनाइए. द वर्ड इज मॉली कॉडल और फटाफट आप इससे रिलेटेड कुछ एक या दो सेंटेंसेस बना के मुझे बताइए, सो दैट आई कुड नो कि आपको क्या समझ आया. एक चीज तो पता है, जहां भी मॉली जैसा वर्ड आएगा उसका मीन क्या होगा, मतलब क्या होगा? सॉफ्टनेस. गुड इवनिंग सूरज. ऑल राइट, so let's have two sentences by using the word mollycoddle. To be mollycoddle matlab softness ko prove karna, softness dikhana is always fruitful, ye hamesha acha hai. Mollycoddle hona matlab acha hona, softness show karna hamesha fruitful hota hai. To ek sentence ye maine banaya, abhi aapki taraf se koi sentence nahi aaya hai, so try to make some sentences. Dusra hai, the mollycoddle person always good for the society. एक अच्छे सॉफ्ट हृदय, कोमल हृदय वाला पर्सन हमेशा अच्छा होता है सोसाइटी के लिए. ऑलराइट, सो द वर्ड दैट यू लर्न टुडे इज मॉली कॉडल. पहला वर्ड जो आपने आज पढ़ा वो है मॉली कॉडल, याद रहेगा सबको. चले देखते हैं अपना दूसरा वर्ड और वो है मॉलीफाई. ये सेशन आप सबके लिए है, दैट इज यू नो डेली वोकैबुलरी सेशन, और ये रोज 8 to 8:30 रहता है. उसके साथ ही साथ इसमें हम कई तरीके से वोकैबुलरी को सीखने की टेक्निक्स डिस्कस करते हैं आपसे, जिसमें आज जो हमारी टेक्निक है वो है बाय यूजिंग रूट वर्ड्स.
All right. Hello, everyone. Ravi. पंकज. ओके, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत. तो मैंने बताया हम किसकी बात कर रहे थे, मॉली की. सो मॉली का मतलब क्या बताया, सॉफ्ट हार्ट भी बोल सकते हैं. अब उसी से बना हुआ नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आया, मॉलिफाई. क्या है, बोल के दिखाओ. यस, मॉलिफाई. मॉलिफाई किस लिए यूज होता है, किसी को सॉफ्ट करना. सॉफ्ट करने का मतलब है किसी का, मतलब बिहेवियर बड़ा रूड सा है, तो आप उसको मॉलिफाई कर सकते हैं, उसको सॉफ्ट कर सकते हैं, उसको पेसिफाई कर सकते हैं, कोमल कर सकते हैं. सुना होगा आपने, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपके टीचर को बड़ा गुस्सा आता है आप पे और उसका बिहेवियर आपके लिए रूड हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो यू नीड टू मॉलिफाई द बिहेवियर ऑफ द टीचर राइट नाउ. आप उसके व्यवहार की हार्डनेस को कम कर सकते हैं, मतलब उसको खुश कर सकते हैं. ऑलराइट, सो यू गेट द सेंटेंस, यू गेट द वर्ड. अब आपको क्या काम करना है, अभी यहाँ पर मुझे सेंटेंसेस बना के दिखाना है. तो कौन कौन है लाइव, फटाफट सेंटेंसेस बनाओ. बहुत सारे लोग आ गए हैं. मॉलिफाई टू अपीज, ऑफ कोर्स. हाँ, जो भी क्लास के बारे में पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो क्लास है ये डेली वोकेबुलरी सेशन है और ये रोज यहाँ पर मैं अवेलेबल हो जाऊंगी 8 to 8:30. इस बीच में आपको वोकैबुलरी ही पढ़ना है, उसके साथ ही साथ याद भी रखना है. सो दीज आर सम टेक्निक्स दैट आई यूज्ड एंड आई यूज हियर टू मेक यू रिटेन ऑल द वोकैबुलरी आउट देयर. चलिए, सो मैंने इसका सेंटेंस क्या बनाया, रमेश इज अपसेट राइट नाउ, आई नीड टू मॉलिफाई हिम. अपीज करना किसी को, ऑफ कोर्स अपीज करना, एलिविएट करना. शिल्पा बोल रही है एलिविएट, यस ऑफ कोर्स, कम करना किसी का गुस्सा, कम करना. सो इफ यू यूज मॉलिफाई दैट इज अ वेरी नाइस वर्ड, यू कैन यूज इट समथिंग न्यू. ओके, सो ये भी आपका मॉल यानी सॉफ्टनेस रूट वर्ड से जुड़ा हुआ है. ऑलराइट, वेल नेक्स्ट वर्ड है आपका एमोलियंट. एमोलियंट आपको इस टाइप का, अच्छा मॉलिफाई के बारे में बता दूं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, इट इज अ वर्ब. ओके, सीजल मीन्स देना है, बहुत अच्छी बात है. कोई भी एग्जाम है आपका तो ये आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, इसमें अपने मतलब COVID-19 के बारे में ना सोच करके, अगर हम एक मतलब पर्टिकुलर स्केड्यूल पर चलेंगे तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई टाइम नहीं है. और बहुत ही कम टाइम बचा भी है आपके पास, क्योंकि यू नो होपिंग फॉर द बेस्ट, वैक्सीन आने वाली है, सो वी आर ट्राइंग टू वेलकम इट. ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमोलियंट. एमोलियंट बेसिकली इट इज अ नाउन, ये एक नाउन है. और आपने देखा होगा जब भी कभी पेन होता है, ऐसा जैसे मसल पेन होता है, आप जिम जाते हैं तो पेन होता है, तो स्किन इनसाइड बाई इनसाइड बड़ी हार्ड सी हो जाती है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए हम एक क्रीम, कोई भी क्रीम यूज करते हैं, बाम जरा सा यूज करते हैं जो सेंसेशन को सॉफ्ट कर देता है उस एरिया को, उसको बोलते हैं इमोलियंट. इस टाइप की क्रीम्स भी आती हैं, ये नाउन एंड एडजेक्टिव दोनों है. इसका मतलब होता है सॉफ्टनिंग एजेंट लाइक अ क्रीम. एग्जाम में भी पूछा जाता है, मतलब सॉफ्ट फील कराने वाला, ऐसी चीज जो हमें कोमल फील कराए. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड दिस. हाँ, मेंस में बहुत अच्छा करना है, ऑफ कोर्स. सो गाइज, ग्लैड टू हियर दैट यू गाइज आर होपिंग फॉर द बेस्ट. एमोलियंट, यू शुड अप्लाई एमोलियंट ऑन योर हैंड टू रिड्यूस द पेन. चलो अब वर्ड्स बनाना स्टार्ट कर दो. मॉलिफाई को कैसे लिखोगे? हाँ, तरुण ने सेंटेंस बनाया, ही वॉज वेरी एंग्री ड्यू टू हिज फेलियर, सो आई, ऑफ कोर्स दिस दैट इज वेरी नाइस एंड कंप्लीटली करेक्ट सेंटेंस दैट आई मॉलिफाइड हिम. ओके तरुण, वेरी नाइस. नाउ आई ऑलवेज वॉन्ट टू मॉलिफाई माई पेरेंट्स वेन दे लुक रूड, वेन दे गो रूड ऑन मी. ओके, आई नीड इमोलियन टू रिड्यूस माई पेन. मुझे इमोलियन की जरूरत है जो मेरे पेन को कम कर सके. तो दोनों का मतलब आपको पता चल गया, इसका थोड़ा सा शांत करना, अपीज करना, और इसका मतलब क्या होता है कि पेन को सॉफ्ट मतलब कम करना, बेसिकली पेन को कम कर देना, दर्द को कम कर देना. ऑलराइट, ओके, नाउ गाइस द नेक्स्ट वर्ड इज मेलीफ्लुअस. मेलीफ्लुअस, और ये भी सॉफ्टनेस से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स जब हम वही रूट वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड होगा. सो क्या मतलब होता है इसका, मींस सॉफ्ट फ्लो, मींस प्लेजेंट. प्लेजेंट समझते हैं सुहावना,
सोमेलीफ्लस का मतलब हुआ सुहावना। आप जैसे मौसम है आजकल, जैसे आजकल का मौसम है, तो उस पर आप सेंटेंस बना सकते हैं। किसी की आवाज लग रही है आपको बड़ी सुहानी, मतलब मेरी नहीं है, सो अपार्ट फ्रॉम मी, किसी की आवाज आपको बहुत ही मेलिफ्लस लग रही है, मेलोडियस लग रही है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये है आपका एक एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। ओके okay? सो कैसे बनाएंगे सेंटेंसेस मेलिफ्लस को यूज करके, आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, श्रेया घोषाल हैज अ वेरी मेलिफ्लस वॉइस, मतलब बहुत ही सुहावनी आवाज है। वेदर इज टर्निंग मेलिफ्लस, वेदर इज टर्निंग मेलिफ्लस नाउअडेज, इन दिनों मौसम जो है बहुत सुहावना हो रहा है। इफ यू आर गोइंग आउटसाइड विद योर फ्रेंड्स, सो यू कैन यूज दिस वर्ड मेलिफ्लस, दैट वुड बी वेरी गुड इफ यू यूज इट। एकदम नया और अच्छा वर्ड है। रादर देन यूजिंग मेलोडियस, रादर देन यूजिंग सुहावना, यू कैन यूज मेलिफ्लुअस। ओके गाइज, समझ आ रही है, वर्ड्स याद हो रहे हैं। अब तो बार बार मैं इतना मेली कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि इसका मतलब होता है अच्छा, सुहाना, सॉफ्ट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज मोल्टन। मोल्टन इज एन एडवर्ब, ये आप सॉरी एडजेक्टिव, और उसके साथ साथ ये एक वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और एक वर्ब भी है। देखो, मैंने शायद आपको बताया था पहले कि जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मेन वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है, वो एडजेक्टिव का काम भी करता है। सो दिस इज द वर्ड ऑफ ऑल्सो, और उसी ऑर्डर में हमारा वर्ड है मॉल्टेन। मॉल्टेन का मतलब होता है पिघलाया हुआ, जो कि सॉफ्ट हो चुका है। ओके, कोई चीज, जैसे हम चॉकलेट की बात करेंगे, चॉकलेट की बात करेंगे, जब भी हम उसे मेल्ट करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाती है, तो हम उसको मॉल्टन बोल सकते हैं। सो मॉल्टन का क्या मतलब है, सॉफ्ट किया गया। ओके तरुण, थैंक यू वेरी मच, बट आई डोंट रियली थिंक सो। द मॉल्स वर फिल्ड विद मॉल्टन गोल्ड, जो भराव हैं वो भरे जा चुके थे विद मॉल्टन गोल्ड, पिघले हुए सोने से टू मेक गोल्ड बिस्किट्स। मतलब मोल्ड समझते हैं, सांचे होता है, इसको हिंदी में सांचा बोलते हैं। सांचे भरे जा चुके थे मोल्टन गोल्ड से, गोल्ड के बिस्किट बनाने के लिए। ओके, मोल्टन मतलब पिघला हुआ गोल्ड। सो याद हो गए आपको, वर्ड्स याद हो रहे हैं। वी विल हैव द रिविजन क्विकली। ऑलराइट गाइज, आप देखो यहाँ पर एक और वर्ड है, एमेलियोरेट। एमेलियोरेट, सो दिस इज द प्रोनाउंसिएशन एंड आई एक्सपेक्ट यू टू प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि किसी भी, जो भी आप बोलें, किसी भी वर्ड को, उसको अच्छे से बोलें। सो दैट इज एमेलियोरेट। इसका भी मतलब होता है, इसमें भी मेल, मैली से जुड़ा हुआ रूट वर्ड है। प्रियांशु, वेरी गुड इवनिंग। क्लास 12th लेवल, आर यू टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द क्लास? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लेवल ऑफ द क्लास, सो लेट मी टेल यू वन थिंग। ये अगर आपको लग रहा है कि आज ये सिंपल चल रहा है, तो इसका वो लेवल है जिसकी आपको ज़रूरत है, और जो कि इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं बताऊँगी, जो आपके एग्जाम का जो लेवल होता है, उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन आते हैं, वो भी 10th एंड 12th लेवल के ही होते हैं। ओके, सो डोंट थिंक मच अबाउट द लेवल एंड ऑल। सो एमेलियोरेट का मतलब है किसी को सॉफ्ट करना, मतलब किसी को बेटर करना। एमेलियोरेट का मतलब है किसी को बेटर करना, किसी को अच्छा बनाना, सॉफ्ट करना, राइट, इम्प्रूव करना, बेटर करना। सो COVID-19 को लेकर के कोई इस पर सेंटेंस बना सकता है? ये एक वर्ब है। तरुण सेंटेंसेस बना रहे हैं, वेरी नाइस। आफ्टर टेकिंग ट्रीटमेंट माई कंडीशन वॉज ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेंटेंसेस बना रहे हैं बाई यूजिंग एक करेक्ट ग्रामर। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एमेलियोरेट द टेक्सचर ऑफ अ न्यू फेस वॉश। शिल्पा इज सेइंग, इफ यू वर्किंग हार्ड यू विल डेफिनेटली एमेलियोरेट वन डे। ऑफ कोर्स, इज वेरी नाइस, ऑल द स्टूडेंट्स आर जस्ट फैंटास्टिक। ओके, एग्जाम देना है, सूरज, आई गेट इट।
Okay, now let's talk about the next root word, that is necro. And before using the word, let's revise it quickly. Ameliorate का मतलब है किसी को soft करना, means better करना. Mellifluous का मतलब है सुहावना. Molten का मतलब है पिघलाया हुआ. Mollify का मतलब है किसी को soft करना, that is a verb. Emollient का मतलब है कोमल महसूस कराना, कराने वाली कोई चीज. मॉलिकॉडल का मतलब है टू प्रोटेक्ट विद सॉफ्टनेस, ओके, अत्यधिक प्यार से देखभाल करना, ये लिखा हुआ है आपका. एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्रो. ओके गाइज, आप लोग मुझे ये भी बता दिया कीजिए कि आपकी आवाज क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है, एवरीथिंग इज ऑडिबल एंड विजिबल एज वेल, ओके, जिससे कि मुझे पता चल जाए. अभी तो आप बता रहे हैं, दैट्स नाइस. ओके नेक्रो, तो हमारा रूट वर्ड है नेक्रो, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं. क्या मतलब है इसका? जब भी ये रूट वर्ड कहीं आएगा, सो समवेयर और समवन इज टॉकिंग अबाउट डेथ, ओके, मृत्यु की बात कर रहे होंगे, मृत्यु या मृत व्यक्ति से रिलेटेड इस तरीके की बातें कर रहे होंगे जब भी हम नेक्रो यूज कर रहे होंगे. देखो सिंपल रूट वर्ड्स तो बहुत सारे आपने पढ़े होंगे. आप कुछ ऐसा पढ़िए जिससे मतलब एग्जाम में पूछा भी जाता है. हाँ, रूट वर्ड्स के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि दुनिया के सारे रूट वर्ड्स नहीं हैं आपके लिए अवेलेबल हैं जो एग्जाम में भी आए हैं और आपको याद भी हो जाए. इनसे अलग हटके भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है. देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. नेक्रोफाइल फाइल. ओके शिल्पा, अनुराधा. डॉक्टर्स आर वर्किंग हार्ड टू एमेलियोरेट कोविड सिचुएशन. ऑल राइट, सो नेक्रोफाइल, तो आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि फाइल, PHIL या PHILE, इस तरीके के वर्ड्स जब भी आते हैं तो किसको डिनोट करते हैं? लव को. ओके, जब भी ये वर्ड आता है तो वो किसको डिनोट करता है? लव को. तो अब यहाँ पर एक बड़ा अजीब सा वर्ड है, नेक्रोफाइल. तो फाइल तो मतलब हो गया आपका लवर से, और नेक्रो मतलब मृत शरीर. कैसे कैसे खतरनाक लोग होते हैं. ओके, नेक्रोफाइल का मतलब है लवर ऑफ डेड बॉडी, ऐसा पर्सन जो कि मृत शरीर से प्यार करता है. और आपका ये नाउन है. ऑल राइट, नेक्रोफाइल लवर ऑफ डेड बॉडी, मृत शरीर से प्यार करने वाला. अब कौन होगा? वाल्चेज होंगे, गिद्ध होंगे, आर द रियल नेक्रोफाइल्स ऑफ द फॉरेस्ट. ये वास्तविक जो हैं वो मृत शरीर से प्यार करने वाले हैं, वल्चर्स, गिद्ध. ओके हाँ, तो ये वर्ड आपको याद हो गया होगा. हाँ, अब रूट वर्ड्स इसी को लेते हैं, आगे और वर्ड्स पढ़ते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज नेक्रोमैनिया. सो डू यू नो वो इज द मीनिंग ऑफ मैनिया? दिस इज ऑल्सो अ रूट वर्ड, और इसका भी मतलब होता है पागलपन. देखो प्यार और पागलपन में फर्क है. देखो जब प्यार से आगे बढ़ जाता है ना कोई, तो वो पागल हो जाता है. तो दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं. जहां पर मैनिया एक नेगेटिव सेंस को शो करता है, वहीं पे फाइल जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वे में हो सकता है. बट इफ यू आर मैनिया, इट मीन्स कि आप जो हैं पागल हैं किसी चीज के लिए, बियॉन्ड द लिमिट. ऑलराइट, सो नेक्रोमैनिया का क्या मतलब है? मैनिया फॉर डेड बॉडीज, मतलब मृत शरीर के प्रति जो पागलपन होता है उसको बोलते हैं नेक्रोमैनिया. सो नेक्रो का मतलब भी पता है और मैनिया का मतलब भी पता है. इसका मतलब होता है पागलपन, और ये कहीं भी आएगा तो यही मतलब होगा. मैनिया तो आपने सुने होंगे, मैनिया सुने हैं आप लोगों ने. हाँ चलो नेक्स्ट आपको अभी आशिक. हाँ सन की, मतलब एक तो आशिक होता है और एक सन की होता है. तो आशिक तो चल जाता है फाइल में, बट सन की जो है वो नहीं चलता मित्र देवा, वो उसका दिमाग खराब हो जाता है. और वो पर्टिकुलर्स, इसको एक वर्ड है यहाँ पर, वैसे मैनिया में अलग से डिस्कस करूंगी, मोनोमैनिया. सो कुछ लोगों को मोनोमैनिया हो जाता है, जो कि मोनो का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज को केंद्र में रखकर, सेंटर में रखकर उसी को प्यार करते रहना. वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई पर्टिकुलर मूवी बुक भी हो सकती है. सो वो लोग मोनोमैनियाक होते हैं, जो पागल होते हैं, जो सन की होते हैं, जो किसी के लिए अपनी जान दे देते हैं. सुनील इज सफरिंग फ्रॉम नेक्रोमैनिया.
अच्छा तुम लोगों ने वो वाली न्यूज़ सुनी होगी जिसमें एक बार क्या होता है, एक आदमी कब्र खोद देता है और बहुत सारे मुर्दों को ऊपर निकाल के रख देता है, तो वो उसको भी हम नेक्रोमैनियाक बोल सकते हैं। हाँ, मोनो का मतलब सिंगल और जब मोनोमैनिया होगा तो मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। तो आप ऐसे ही अगर पढ़ते रहेंगे तो लगभग सारे रूट वर्ड्स मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगी, जितने भी रूट वर्ड्स आपने सोचे होंगे कि कभी एग्जाम में आएंगे, अब आप जो है उनको ध्यान से रटेन रख पाओ, ये ज़्यादा है, मतलब याद रख पाओ माइंड में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्रोफोबिया, एक और रूट वर्ड आया फोबिया। फोबिया का क्या मतलब होता है? अ मॉर्बिड फियर। एक तो होता है डर, और एक ऐसा फियर जिससे आपकी मेडिकल कंडीशन बन जाए, मतलब बहुत ज्यादा डरना। ऐसा डर लगा है क्या कभी किसी चीज के लिए? तो अगर आपको ऐसा डर लगता है जो कि बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड फोबिया। सो नेक्रोफोबिया मतलब मृत शरीर का अत्यधिक डर होना। ओके, थैंक यू आदर्श। कैसे कैसे क्वेश्चन कहते हो, क्या खाते हो? ओके, नेक्रोफोबिया मतलब, नेक्रो एंड फोबिया मतलब मृत शरीर का अत्यधिक डर होना, जो कि ज्यादातर लोगों को होता है। नेक्रोफोबिया जो है वो ज्यादातर लोगों को होता है। तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, दैट इज अ नाउन, ये एक नाउन है। हाँ, अगर इसको नेक्रोफोबिया बोल दिया जाए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, बट दिस इज अ नाउन, राइट? हाँ, फोबिया मतलब, देखो फोबिया का मतलब सिर्फ और सिर्फ डर नहीं होता, मॉर्बिड फियर होता है, बहुत ज्यादा डर। अनीता वॉज नॉट गोइंग नियर द डेड बॉडी बिकॉज शी हैज नेक्रोफोबिया। वो नहीं जाती है डेड बॉडीज के पास क्योंकि उन्हें उससे बहुत डर लगता है। ऐसे ही जब भी आप हॉलीवुड की कोई मूवीज देखते हैं तो उसमें ऐसे फोबियाज, ऐसे मैनियाज बहुत ज्यादा दिखाते हैं। अदरवाइज यू नीड टू वॉच क्राइम पेट्रोल। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज नेक्रोफोबियाक। नेक्रोफोबिक लिखा हुआ है, इट इज नेक्रोफोबियाक। ये वही है जो अभी मैं डिस्कस कर रही थी। संदीप इज नॉट अलाउड इन मॉर्चरी। मॉर्चरी तो जानते हैं आप, शवदाह गृह, बिकॉज ही इज अ नेक्रोफोबियाक। ओके, नाउ नेक्रोमैनियाक, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको नेक्रो याद है और मैनिया मैंने बता ही दिया है, तो ऑफकोर्स आपको ये वर्ड याद हो गया होगा। तो अब इसमें चेक। अच्छा विनय जी, आज आपकी पहली क्लास है। कोई नहीं, ऐसे ही आप रोज यहाँ पर अवेलेबल रहिए और क्लासेस लेते रहिए, ये डेली वोकेबुलरी सेशंस ही हैं। कभी कभार जब कोई मतलब ऐसा कोई काम होता है तो क्लासेस नहीं होती, अदरवाइज ये रेगुलर चलेंगी आप सबके लिए, और इसमें वोकेबुलरी की नई नई टेक्निक्स भी हम डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, द मेंटल हॉस्पिटल ऑफ आगरा इज फुल ऑफ नेक्रोमैनियाक्स। मतलब अगर कोई सेंटेंस बनाना है, लेकिन गाइज आप लोग आज सेंटेंसेस नहीं बना रहे हो, क्यों, क्या हुआ? सेंटेंसेस बनाइए, अभी तो काफी लोग बना रहे थे, बट आजकल आप लोग थोड़े सेंटेंसेस कम बना रहे हो, क्यों? मतलब आज कम बना रहे हो? हाँ, डेली फ्री ऑफ कॉस्ट। अब तो कोविड-19 एरा है, तो मैं एक चीज तो समझ चुकी हूँ कि आप लोग जो हैं टीचर्स को बहुत वेट कराते हो। टीचर्स वेट करते रहते हैं, प्लीज़ आ जाओ हमारे ऑनलाइन क्लासेस देख लो और हमारे क्लास में अवेलेबल हो जाओ, हमारा सेशन शेयर कर दो। लोग अलग अलग चैनल्स पर रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आ जाओ भाई, प्लीज़ देख लो। तो ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम भी वही चाहते हैं आपसे कि आप प्लीज़ हमें देख लो, क्योंकि हम उतना टाइम आपको दे रहे हैं, तो आप भी उसका बेनिफिट उठाओ, PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। आशीष, थैंक यू। चलिए, ये हो गया, द मेंटल हॉस्पिटल ऑफ आगरा इज फुल ऑफ नेक्रोमैनियाक्स। अच्छा, अब एक और आपका रूट वर्ड है एक्रो। सो एक्रो जहां भी आएगा वहां पर हाइट की बात होगी, ऊंचाई की बात होगी, मतलब आपको ऊंचाई से डर लगेगा। आप कभी कभी होता है कि आप जब ऊंची बिल्डिंग पर जाते हैं तो जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है वो काफी ऊंचे नहीं चढ़ता है क्योंकि उन्हें डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो एक्रोफोबियाक होते हैं। सो एक्रोफोबिया लिखा हुआ है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, और एक्रो मतलब होता है हाइट, तो जिसको भी हाइट से डर लगता है उसको हम बोलते हैं एक्रोफोबियाक। ऑलराइट, सो एक्रोबैट, दूसरा वर्ड इसी से बना हुआ क्या है? एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब है अ हाई वॉकर, मतलब हवा में जो करतब दिखाते हैं। बैट का मतलब, जैसे बैट उल्टे लटके रहते हैं ना,
आप ऐसा याद कर सकते हो। सो एक्रो का मतलब तो ऊंचाई, और बैट मतलब जिसने ये सब फैलाया हुआ है वो वाला बैट। तो जो ये करतब दिखाते हैं उनको एक्रोबैट बोलते हैं, द हाई वॉकर, ठीक है, हवा में ऊंचाई में करतब दिखाने वाला। ओके, सो हियर इज द यूज ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड, नीरज इज अ फैंटास्टिक एक्रोबैट, ही कैन क्लाइम द हाइट्स। ओके, सो नाउ आपको मैंने एक अभी लास्ट क्लास में कुछ वर्ड्स बताए थे, अगर आपने पहले क्लासेस देखी हैं तो मुझे बताइए कि ऊंचाई सर्वोच्च मतलब ऊंचाई का जो सर्वोत्तम बिंदु होता है, द पॉइंट ऑफ हाइट, सबसे ऊंचा बिंदु, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फटाफट बताओ कि जो ऊंचाई का मतलब सर्वोत्तम ऊंचाई का बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुराधा पूछ रहे हैं आपने कौन से टीचर से इंग्लिश की क्लासेस ली हैं। ओके, दैट इज नाइस क्वेश्चन, बट मेरी मदर जो है वो ही इंग्लिश पढ़ाती हैं, और इंग्लिश तो मैंने उन्हीं से ही सीखी है, और बाकी मैं लोगों के वीडियोस देखती रहती थी पहले। अब तो आई हैव बीन इन टीचिंग फॉर मोर देन 6 ईयर्स, सो आई डोंट वॉच वीडियोज नाउ। आई डू एक्सपेरिमेंट्स, इफ यू लाइक इट यू कैन फॉलो मी। दिबेश जनित, वेरी नाइस। जेनिथ हमने डिस्कस किया था, जेनिथ का मतलब है एपेक्स, और एपेक्स का मतलब है सर्वोच्च। ऑलराइट, वेल द नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोफाइट। एक्रोफाइट मींस अ प्लांट ग्रोइंग एट हाई एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई पर उगने वाले जो पेड़ होते हैं। फाइट से तो आपको पता चल जाएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट सम वेजिटेबल एंड ऑल। एक्रो मतलब हाइट, एंड फाइट मींस पेड़, ट्री, वनस्पति। सो एक्रो मतलब हाइट, सो द प्लांट ग्रोइंग एट हाई एल्टीट्यूड क्या होता है इसका मतलब? ऊंचाई पर उगने वाला पेड़। ओके, नाउ द लास्ट वर्ड ऑफ टुडे सेशन इज एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस, सो पोलिस बेसिकली पोलिस बोलते हैं सिटी को। ये आगे भी आपके आएंगे, फाइट एंड पॉलिस, इनको याद रखना। अक्रो का मतलब क्या होता है हमने पहले ही डिस्कस किया, हाइट। सो अ सिटी एट हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई पर, उच्च अक्षांश पर जो शहर स्थित है उसको एक्रोपोलिस कहते हैं। द एरिया वेयर आई आई हैव लिव्ड और लेयर वॉज अ एक्रोपोलिस। यू कैन मेक द सेंटेंसेस एज मच एज यू कैन। ओके, प्रशांत ने कुछ लिखा है, आई वॉन्ट टू रीड इट, वेन आई यूजली अलोन आई कैन ईजिली प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स, बट आई ट्राई टू इंक्लूड देम इन एनी कॉन्वर्सेशन, दे बिकम टंग ट्विस्टर, हाउ टू डील विद इट। एक्चुअली मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि नॉट अबाउट टंग ट्विस्टर, फेस मसल्स एक्टिव हो जाती हैं जब आप इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी अलग अलग वोकल कॉर्ड से बोली जाती है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू स्पीक वेल, आई थिंक। ऑलराइट, एंड द बेस्ट वे इज टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश, आई गेस। आप खुद से ही इंग्लिश में बात करो, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, टू स्पीक समथिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश, आई गेस। यस, अगेन द लास्ट कॉमेंट ऑफ द सेशन, मैन एंड मैम नाइस एक्सप्लेनेशन बाई यू, बट आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट इफ यू कैन अटैच सम पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू वर्ड्स, दैट विल बी मोर ऑल्सो मोर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। येस आई अंडरस्टैंड, पिक्चर्स भी अटैच करूंगी, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग हियर, मिलते हैं कल एट द सेम टाइम, सी यू, बाय बाय।